जय साथियों, स्वागत है आपका वीएस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे यहाँ पर जो एसएससी सीपीओ सम स्पेक्टर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, इन भैया को एक वीक हो गया है। इनका अभी स्टार्ट पहला ही वीक है, आज पहला टाइमिंग ट्रायल है, पहला टाइमिंग ट्रायल इनको एक वीक हो चुका है। इनका पहला टाइमिंग ट्रायल और इनका एक वीक हो चुका है। ये हमारे पास में जो 6 बंदे हैं और एक 7वें बंदे, 7 बच्चे हमारे पास एसएससी सीपीओ के लिए आज दौड़ लगाएंगे 1600 मीटर। और ये बैच उज्जैन में स्टार्ट हो चुकी है। हाई जंप लगभग इनका कंप्लीट करा चुके हैं हम, 3.5 फीट से अधिक इनको एक या दो दिन में सिखा चुके हैं। बहुत इजी टेक्निक से इनको सिखाया जा रहा है। लॉन्ग जंप स्टार्ट करी है अभी और हाई जंप हमारी कंप्लीट करीब करीब है। मेन फोकस करना है 1600 मीटर पर, जो 6 मिनट 30 सेकंड में इनको लगाना है। मेन इवेंट है, इंड्योरेंस की इवेंट है, बिना तैयारी के नहीं हो सकती है। बाकी आपकी शॉर्ट पुट, आपकी जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, टेक्निकल इवेंट है, बहुत आसानी से हो जाएगी। 12 फीट लॉन्ग जंप करना टफ नहीं होता है, 4 फीट हाई जंप करना कोई टफ नहीं होता, टेक्निकल इवेंट है। लेकिन 1600 दौड़ने के लिए आपके लंग्स की कैपेसिटी चाहिए, आपके फेफड़े स्ट्रांग चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए। 4 राउंड लगाना टफ होता है, लेकिन यदि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं तो आप 3-4 वीक के अंदर बहुत आसानी से 6:30 में लगा लेंगे। आज देखते हैं हमारे बीच में जो 1 वीक से अधिक का समय इनको हो गया है, ये कितने मिनट में इस रेस को पूरी करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अभी अभी, आपका पहला टाइमिंग ट्रायल है, आपका पहला टाइमिंग ट्रायल है, आपका पहला टाइमिंग ट्रायल है, बस इस रेस को पूरा करें। यस, करते हैं स्टार्ट। यस गो। ये दौड़ स्टार्ट हो चुकी है और अब देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है इस 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करते हैं और टाइमिंग के अंदर करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एसएससी सीपीओ का रिजल्ट अभी जस्ट आया है और आने के बाद स्टूडेंट ने अभी अभी फिजिकल स्टार्ट किया है, और फिजिकल स्टार्ट करने के बाद में किसी को 1 वीक हुए, किसी को 2 वीक हुए, कुछ पहले से कुछ थोड़ा बहुत कर रहे थे, तो उसका बेनिफिट मिलता है। इसमें जो इवेंट है आपकी, हाई जंप है 4 फीट, 12 फीट लॉन्ग जंप है, 14 सेकंड में आपको दौड़ना है 100 मीटर और 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है आपको 1600 मीटर। इन सभी इवेंट में सबसे टफ इवेंट यदि मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग आपको बताऊँ तो 1600 मीटर ही है। 6:30 में दौड़ने के लिए एक एवरेज पेस चाहिए, और पेस के साथ में आपकी लंग्स की कैपेसिटी चाहिए। आपके लंग्स कैपेसिटी मतलब आपके फेफड़े स्ट्रांग होना चाहिए, इतना इंड्योरेंस होना चाहिए। इंड्योरेंस बनाने के लिए 3 से 4 वीक का समय लगता है, और अभी आपके पास समय है, अब जल्दी स्टार्ट करिए। और देखते हैं हमारे यहाँ पर, हमने 1 वीक 2 वीक में जिन लोगों को तैयार किया, जिनका पेस को सेट किया हमने, जिनका लंग्स कैपेसिटी सेट की है, उनका टाइमिंग आज देखेंगे कि वो 6:30 के आसपास आ सकते हैं। हम उम्मीद नहीं करते हैं कि कुछ बच्चे 6:30 पर लगा लेंगे, लेकिन 6-7 मिनट के अंदर भी लगाएंगे तो हमारे लिए पहले वीक का परिणाम बहुत अच्छा होगा। देखते हैं, वेल डन वेल डन। 1:18 में 1 राउंड हुआ है तुम्हारा, 1:23, 1:26, 1:27, वेल डन वेल डन, 1:31। 1600 मीटर की दौड़ हो रही है, और ये दो स्टूडेंट अभी अभी आए हैं, और इसकी तैयारी में समय लगता है, पूरा 1 मंथ के बाद रिजल्ट आएगा। 1:44 हुआ है, 1 महीना लगेगा इनको। आप देखेंगे जो आपके सामने पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, यदि 1 महीना लगातार रेगुलर आते रहे, टेक्निकली वर्कआउट करते रहे, 1:58 टेक्निकली वर्कआउट करते रहे, तो आसानी से ये लोग भी आपके सामने 6:30 में क्वालिफाई करेंगे। बहुत अच्छा टेक्निकली रूप से हम ट्रेनिंग देते हैं, उज्जैन में महानंदा अरिना ग्राउंड पर ट्रेनिंग चलती है। लगभग 22 वर्षों का अनुभव है हमें इस ट्रेनिंग का, और हम स्वयं नेशनल लेवल के प्लेयर रहे। हमने कई बार इस 800-1500 मीटर के अंदर एमपी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, नेशनल लेवल पे कई बार पार्टिसिपेट किया, नेशनल में फाइनल रेस भी हम दौड़े, और कई अभी तक नेशनल लेवल पे कई खिलाड़ियों को हम तैयार कर चुके हैं। कई खिलाड़ी नेशनल लेवल मेडल जीत चुके हैं हमारे द्वारा तैयार किए हुए, तो उसी श्रृंखला में हम लोग एमपी पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस के बच्चों को भी तैयारी कराते हैं। लगभग 22 वर्ष हो गए, 22 वर्ष के अनुभव के साथ में एक बेहतरीन टेक्निकल वर्कआउट कराते हैं, और टेक्निकल वर्कआउट में जो एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, जॉइंट की मोबिलिटी की जरूरत पड़ती है, विशेष रूप से उन पर ध्यान दिया जाता है। रगड़ा ट्रेनिंग नहीं कराते कि आपको बहुत ज़्यादा करवाए, आपकी कंडीशन का आधार दौड़ाया जाता है। 2 राउंड पूरे हो रहे हैं, 3 मिनट में 2 राउंड पूरे कर लिए, अभी 2 राउंड और बचे हैं इनके। चलिए अच्छा लगाना, 3:05, 3:06, 3:08 में हुए 2 राउंड, 3:10। हाथ चलाओ, हाथ लो का मूवमेंट चालू रखो, आर्म एक्शन कंप्लीट करो।
अभी एक वीक ही इन्होंने 6 दिन हमारे यहाँ पर वर्कआउट किया, 6 डेज हुए हैं लगभग, 6-7 दिन में इनकी रनिंग का जो भी मोमेंटम आएगा देखेंगे आने वाले एक वीक के बाद और कितना इम्प्रूवमेंट होता है। हम उम्मीद करते हैं लगभग 4 वीक लगेंगे, 4 वीक में ही इन लोगों का पूरी तरह से फिजिकल तैयार होगा। तीन चौपन 355 हो गया है, वेरी गुड। 4 मिनट हुए हैं, 4 मिनट में आपके 2 राउंड हुए हैं, बहुत वीक है ये, लेकिन हम बताएंगे आपको इन्हीं की रनिंग 15 दिन के बाद कितनी अच्छी हो जाती है, क्योंकि मेन आपको लंग्स की कैपेसिटी डेवलपमेंट करना होता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना होता है। एक राउंड की लीड लगा दी इनने। चार तरालीस में 3 राउंड लगाए, मतलब 1200 मीटर का 4:43 में हो गया है। चलो भैया बहुत अच्छा, 4:50 इनके 2 राउंड हुए। चलिए 5 मिनट हो गए आपका, 1 मिनट 30 सेकंड पूरा बचा है, लास्ट राउंड उठा लो तेज, 1:30 बचा है लास्ट का, बस रेस उठा लो, क्वालिफाई हो जाएगा। 5 मिनट में इन लोगों ने 1200 मीटर लगाई है और इनके पास 1 मिनट 30 सेकंड बचा है पूरा एक राउंड 400 मीटर लगाने के लिए। देखते हैं ये लोग लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। ये पूरे 6 मिनट हो गए हैं, 30 सेकंड बचे हैं 100 मीटर रेस दौड़ने में आगे वाले को। ये हंसराज 100 क्वालिफाई कर लेगा, हंसराज आ जाए क्वालिफाई कर लेगा। चलिए अभी 1 राउंड और बचा अपना, चलिए 6:19 में आपने क्वालिफाई किया, वेल डन। चलो आ जाओ जल्दी, 6:28 फिनिश करो। छ 37 बस 7 सेकंड आप चिझड़े और पहला टाइमिंग ट्रायल है 6:43 वेरी गुड। आज पहला टाइमिंग ट्रायल और पहले टाइमिंग ट्रायल में इन्होंने बहुत अच्छा टाइमिंग दिया है। नेक्स्ट वीक आपको ये सारे क्वालिफाई करेंगे जो अभी आ रहे हैं, 7 मिनट के अंदर भी आएंगे क्वालिफाई हो जाएंगे। और आपका 6:58 7 मिनट के अंदर आने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीक आप देखेंगे वीडियो हमारा, फिर से नेक्स्ट वीक में इन्हीं का टाइमिंग ट्रायल होगा, 6 दिन के वर्कआउट के बाद में 7 मिनट वाले 6 मिनट के 6:30 के अंदर लगा के बताएंगे। अभी 2 बच्चे बहुत वीक हैं, उन्होंने अभी स्टार्ट किया है और हमारे CPO सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट आपको दिखते रहेंगे। यदि आपको तैयारी करना है तो आप आ सकते हैं VS डिफेंस अकेडमी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।